पहले प्याज में नमक मिर्ची अच्छा मिला लेना। अब करेले डाली, उसके बाद थोड़ा पानी डाल दी। घटिच रहना, ज़्यादा पतला ना, ज़्यादा गाढ़ा। मैं मिठाई की दुकान में खरीदी थी, खाली करेले के थे तो थोड़ा वो था कड़वा, तो मैं समझी प्याज भी डालूंगी। मेरी आइडिया है, ये किसी का नहीं है। अब 2 स्पून ऑयल भी डाल के मिक्स करके एक आधा घंटा 10 मिनट रख देती, उसके बाद फ्राई करेंगे। आधा घंटा हो गया भिगा के और तेल गरम हो गया मेरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्राई करके बता दूँ, इसमें चाहे तो आप जीरा धनिया भी डाल सकते हैं। मैं नहीं डाली, अजवाइन डाली ना। एक तरफ हो गए, दूसरी तरफ पलटा के निकाल के डिश आउट करके बता दी। बनकर रेडी है मेरा पकौड़ी। बहुत अच्छी स्मेल आ रही, तलते वक्त ही सोंदी कड़वापना अच्छा लगा मुझे। मैं दुकान से खरीद के खाते ही रहती हूँ, शुगर वाले के लिए तो बेस्ट है ये, है ना। तो आप लोग भी बनाइए, मेरा रोज़ा का टाइम हो रहा। अल्हम्दुलिल्लाह खजूर रख लेती, रोज़ा खोलने के बाद एंजॉय करती हूँ पकौड़ी। ओके, आप लोग भी बनाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखिए, जज़ाकअल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।